हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बनाएंगे चार ब्रेड से बहुत ही टेस्टी और चटपटा नाश्ता। आप इसको चाय के साथ बनाकर खा सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। आप ये नाश्ता एक बार बना ट्राई ज़रूर करिए। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने लिए हैं ब्रेड, तो देख सकते हैं आप लोग 6 ब्रेड लिए। तो 6 ब्रेड से हम बहुत ही टेस्टी नाश्ता चटपटा बनाएंगे। देखिए दोस्तों, 6 ब्रेड लिया है हमने। तो हमने एक बाउल ले लिया है, तो उसमें हम डाल देते हैं 3 से 4 चम्मच। तो 6 ब्रेड हमने लिया है, तो उसके हिसाब से हम दही लेंगे। तो 3 से 4 चम्मच हमने ये दही लिया है, तो ज़्यादा खट्टा वाला दही नहीं लिए हैं। तो कोई सा भी दही हो आप डाल सकते हैं। तो थोड़ा सा हम डाल देंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल देना है आपको। थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे, अगर दही खट्टा है तो चाट मसाला का यूज कम करेंगे। नमक भी थोड़ा सा ही डालना है आपको, अगर सादा दही है तो आप बराबर पर डाल सकते हैं। तो नमक डाल दिया है हमने, 1 छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर डाल दिए हैं, हरा धनिया थोड़ा सा डाल देना है कटा हुआ, थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अब सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत ही टेस्टी और चटपटा नाश्ता बनने वाला है दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, हम मिक्स कर लेते हैं। तो पानी एक साथ हम नहीं डालेंगे पूरा, नहीं तो बहुत गीला हो जाएगा बैटर। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें एक गाढ़ा पेस्ट रेडी करना है। तो दोस्तों, अब हम इसमें डाल देते हैं बेसन। बेसन हम 2 चम्मच लिए हैं, थोड़ा सा डाल देना है आपको। 6 ब्रेड है तो इसके हिसाब से हमने 2 चम्मच ही डाला है। बेसन आप पहले भी डाल सकते हैं, तो उसको भी हम पानी डालकर रेडी कर लेंगे। पतला नहीं होना चाहिए बैटर। तो ये देखिए, बैटर एकदम परफेक्ट बना है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। गैस पर हमने पैन रख दिया है, 1 चम्मच डाल देते हैं रिफाइंड ऑयल, 1 से 2 चम्मच। तेल को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। दोस्तों, तेल गरम हो चुका है, तो अब इसमें बनाते हैं हम ब्रेड, डालते हैं बैटर में। तो ऐसे डिप करना है आपको, चारों तरफ से पूरा बेसन लगा लेना है। तो ये देखिए, पूरा हमने ऐसे लगा लिया है। तो अब इसको हम पैन पर डाल देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, 1 ब्रेड हमने डाल दिया है, तो दूसरा भी हम ऐसे ही डालते हैं। तो ये देखिए, तो दोस्तों ये देखिए, दूसरा ब्रेड भी हमने बेसन में ऐसे लगा लिया है पूरा। तो उसको भी हम पैन पर डाल देते हैं। तो ये देखिए, हमने 2 ब्रेड डाल दिए हैं। तो इसको एक साइड सेक जाने पर हम इसको पलटेंगे, तुरंत नहीं पलटना है, नहीं तो जो है चिपक जाएगा पूरा। तो इसको 2 मिनट तक सेक लेंगे पूरा अच्छे से। तो दोस्तों ये देखिए, एक साइड अच्छे से सेक चुका है, तब इसको हम पलट लेते हैं पूरा। जब तक ऐसे ब्राउन ना हो जाए आप ब्रेड को पलटेंगे नहीं। तो ये देखिए, दूसरा भी हमने अच्छे से पलट दिया है। जब तक सेक ना जाए आप उसको पलटेंगे नहीं, नहीं तो चिपक जाएगा पूरा बेसन। तो 1-2 मिनट तक हमने इसको और अच्छे से सेक लिया है। देख सकते हैं आप लोग, कितना टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। तो दोनों साइड से ब्राउन हो चुका है, तब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, एक पेपर हमने ले लिया है ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। तो देखिए दोस्तों, 2 ब्रेड बन गए हैं, तो तीसरा भी हम डाल देते हैं। बहुत ही टेस्टी और चटपटा लगता है ये 4 ब्रेड से नाश्ता। तो एक बार में हमने 3 डाल दिया है, तो इसको भी जब तक सेक ना जाए हम इसको पलटेंगे नहीं। तो ये देखिए दोस्तों, हल्का हल्का ब्राउन हो चुका है, अब इसको हम पूरा पलट लेते हैं। देखने में कितना अच्छा लग रहा है, तो खाने में ये कितना टेस्टी होगा नाश्ता। बहुत ही सॉफ्ट भी होता है ये, तो इसको भी हम पलट लेंगे। तो एक दूसरा साइड भी हम सेक लेंगे इसको अच्छे से। तो ये देखिए, दूसरा साइड भी कलर चेंज हो चुका है, तो इसको भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है।
इसी तरीके से हम सभी ब्रेड रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, टोटल 6 ब्रेड लिया था, 6 ब्रेड रेडी है। चटपटा नाश्ता हम आपको पास से दिखा देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, 4 ब्रेड से ये नाश्ता आपने कभी बनाया नहीं होगा, बहुत जल्दी और झटपट बनकर तैयार हो जाता है 4 ब्रेड से चटपटा नाश्ता। आप इसको चाय के साथ ज़रूर खाएं। तो ये देखिए दोस्तों, हम आपको पास से दिखाते हैं कितना टेस्टी और अच्छा बनकर तैयार हुआ है। ये बहुत ही हेल्दी भी होता है। हम आपको दिखा देते हैं कि कितना सॉफ्ट बना है ये। तो दोस्तों, आपने इतना सॉफ्ट नाश्ता कभी नहीं बनाया होगा। ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है ये ब्रेड का नाश्ता। तो आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें। अगर आपके पास ब्रेड है तो अभी बनाइए इस चटपटे नाश्ते को। थोड़ा सा हम हरा धनिया डाल देते हैं। तो दोस्तों, रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, ये रेसिपी ट्राई ज़रूर करें और अपने परिवार को खिलाएं गर्मा गर्म। तो हम आपके लिए ऐसी स्वादिष्ट और चटपटा रेसिपी लाते रहेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।